जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ क्या जय श्री राम का नारा एक युद्धोन्माद है, एक वॉर क्राय है? क्या राम के नाम पर न सिर्फ राम को बल्कि धर्म और देश को भी बदनाम किया जा रहा है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए राम के क्या मायने हैं। मैं जब छोटा था, मेरे बचपन में मेरे नाना मेरे सामने राम नाम का भजन करते थे। मेरी नानी सुबह 4 बजे उठ के राम नाम का जाप करती थी। ये सब मेरे बचपन की यादों का हिस्सा है। यानी कि राम कहीं ना कहीं मेरे लिए मासूमियत का पर्यायवाची है। मैं खुद एक धार्मिक व्यक्ति हूं। मेरा खुद का, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव और बुद्ध दोनों के साथ एक आध्यात्मिक नाता है। मगर मुझे कभी इस बात की जरूरत नहीं महसूस हुई कि चूंकि मेरा शिव और बुद्ध में विश्वास है, लिहाजा मैं लोगों को गाली दूं, मैं किसी मुसलमान को गाली दूं, किसी सिख को गाली दूं, किसी ईसाई को गाली दूं। भूल जाइए उनको, बल्कि मेरे खुद के नाना नानी को, उनके मुंह से मैंने कभी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को गाली देते नहीं सुना। मगर इस देश में क्या हो रहा है, न सिर्फ राम के नाम पर समाज में जहर फैलाने की कोशिश है, बल्कि आज मैं अपनी इस प्रस्तुति के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बड़ा खेल क्या है। उस बड़े खेल को आपको समझना पड़ेगा। मगर सबसे पहले ये दो स्क्रीनशॉट्स हैं गाने के, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं कि जो ना बोले जय श्री राम, भेज दो उसको कब्रिस्तान। इन दो स्क्रीनशॉट्स में दोस्तों उस गायक का नाम है और साथ ही इस वीडियो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम है जिसने ये गाना जो है प्रोड्यूस किया है और यह गाना जोरों से वायरल किया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर जो राम का नाम ना ले या जो जय श्री राम ना कहे उसे जान से मारने की धमकी। कुछ दिनों पहले आपने एक एक्टर को टिकटॉक का एक वीडियो शेयर करने के लिए आपने उसे जेल भेज दिया था। वो जमानत पर बाहर है। वो वीडियो भड़काऊ था या नहीं था एक अलग मुद्दा है, मगर यहां तो ये वीडियो सीधे तौर पर भड़काऊ है, सीधे तौर पर लोगों को जान से मारने की धमकी कर दे रहा है। और दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों वीडियो हैं जो समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं और इन पर एक बार भी एक्शन नहीं लिया गया है। इनमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है। और जब 4 दर्जन फिल्म मेकर्स या बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री को एक खत लिखते हैं कि राम को एक वॉर क्राय बना दिया गया है, युद्धोन्माद की तरह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो हम उन बुद्धिजीवियों को टारगेट करते हैं। और टारगेट कौन करता है? पत्रकार करते हैं। एक डेढ़ फुटिया पत्रकार, जिसकी सोच भी डेढ़ फुटिया है, वो ये कह रहा था कि साहब, हो सकता है कि इनका नाता जो है ममता बैनर्जी के साथ हो या विपक्ष के साथ हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लेकर असहज महसूस कर रहा है तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। आप आलोचना कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप एक समानांतर तर्क पेश कीजिए, मगर आप तर्क पेश नहीं करते हैं। आप उसके खिलाफ समाज को भड़काते हैं। जैसे कि टाइम्स नाउ का ये स्क्रीनशॉट। टाइम्स नाउ क्या कह रहा है? फिल्म मेकर्स एक्टिविस्ट पिटिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे ब्लेम हिंदूज फॉर हेट अटैक्स एंड डिफाइन जय श्री राम एज वॉर क्राय। ये सरासर झूठ है दोस्तों। इस पिटिशन में कहीं पर भी हिंदुओं पर दोष नहीं मढ़ा गया है, कहीं पर भी नहीं। मगर अगर आप देखना चाहते हैं कि जय श्री राम को किस तरह से एक वॉर क्राय के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ वीडियोस की झलक देखिए। And one of them died later of injuries. The fight began as a squabble between these 4 people and other passengers on the train. देखा आपने? मगर जब इस तरह से लोग सवाल उठाते हैं
तो भूल जाइए हाशिए पर रहने वाले फ्रिंज एलिमेंट्स, जिन्हें मुख्यधारा में जगह नहीं मिली है या मिल रही है। ये झूठ, ये उन्माद मुख्यधारा का मीडिया फैला रहा है। एक और मिसाल देखिए, ये स्क्रीनशॉट्स हैं दो डिबेट्स के। पहला डिबेट कह रहा है, सीधा सवाल, मुसलमानों पर कांग्रेस की गटरपंथी सोच। नीचे देखिए, धर्म युद्ध। और अब देखिए, कश्मीर में हिंदुओं के साथ छल कब तक। इन तमाम वीडियोस में हिंदुओं को बेसहारा बताया गया है, हिंदुओं को टारगेट बताया गया है, हिंदुओं को विक्टिम बताया गया है। यानी कि एक देश में जहां हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां हिंदुत्ववादी सरकार जो है वो है न सिर्फ केंद्र में बल्कि अधिकतर राज्यों में, एक ऐसे देश में जहां न जाने कितनी मिसालें हैं कि जय श्री राम के नारे पर लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, वहां का मीडिया आपको यह बतलाने में लगा हुआ है कि इस देश का हिंदू जो है बेसहारा है, इस देश का हिंदू विक्टिम है। उस देश की इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती जब वहां का जो मेजॉरिटी है ना, जो बहुमत में रहते हैं, उनको बेचारा बताया जाए या उनको भड़काया जाए। ऐसे में उस समाज की सोच आगे नहीं बढ़ती, आप प्रगतिशील नहीं बनते, आप तरक्की नहीं करते, क्योंकि आप हमेशा इनसिक्योर बने रहते हैं, आप हमेशा उग्र बने रहते हैं, और देश का इससे नुकसान होता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जय श्री राम के इस नारे के जरिए दरअसल एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि समानांतर तौर पर कई चीजें हो रही हैं, और अगर आप इन सब को जोड़िएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस देश के लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, एक तरफ तो राम का नारा है जिसके जरिए लोगों को डराने की कोशिश है, राम के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और यह मीडिया आपको यह नहीं बता रहा कि अगर वाकई हिंदू पीड़ित है तो पिछले 5 साल में हिंदुओं के साथ इस सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे वो विक्टिम बन गया, क्योंकि जवाबदेही तो सरकार को तय करना होगा ना। ये मीडिया उस सरकार से यह सवाल नहीं पूछता, वो मीडिया सरकार से यह सवाल नहीं पूछता कि अगर कश्मीर में हिंदुओं की इतनी बदतर हालत है तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया। पिछले 5 सालों में आपने घाटी में, कश्मीर घाटी में कश्मीरियों को बसाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, यह सवाल नहीं पूछता, अलबत्ता यह करता है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चाहे चांद में जाने की बात हो या फिर वर्ल्ड कप या फिर बजट, हर चीज को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ जोड़ के देखना। और मैं नहीं जाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये डिबेट्स देखते हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम देखते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी ये देखेगा ना, वो अपने बारे में इस तरह की चीजें, वो शर्मिंदा हो जाएगा। ये देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? सेमीफाइनल में क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोदी को चांद चाहिए, चांद पर होगा मोदी मोदी। मोदी जी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। अरे, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, चाचा चौधरी नहीं है भैया। तो मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ तो राम के नाम पर इस तरह का माहौल पैदा करना, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सम्मानित पद को इस तरह से उस पर सवालिया निशान खड़ा करना, और यह सवाल कौन खड़े कर रहा है, दोनों ही सूरतों में मीडिया सवाल खड़े कर रहा है। राम के नाम पर ये लोग समाज में प्राइम टाइम में भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को लार्जर देन लाइफ पेश करना और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, यह है मुख्यधारा की मीडिया का योगदान। मगर बात यहां तक नहीं रुकती, समानांतर तौर पर सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। पहले गौर कीजिए इस बात पर, हाल ही में लोकसभा में 2 बिल पारित हुए, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि आम इंसान के हाथ का सबसे मजबूत हथियार जवाबदेही को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर उस आरटीआई एक्ट में संशोधन कर दिया गया। यह फैसला अब करेगी सरकार कि जो तमाम कमिश्नर्स हैं केंद्रीय सूचना आयोग में,
पहले तो 5 साल था उनका कार्यकाल, अब सरकार फैसला करेगी कि कितना लंबा कार्यकाल होगा। सरकार यह भी फैसला करेगी कि उन्हें क्या सैलरी दी जाए। और यह सरकार दोस्तों लगातार कोशिश कर रही है आरटीआई को कमजोर करने के लिए। मुद्दा नंबर एक, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, तमाम पदों पर नियुक्तियों के लिए जब तक अदालत का दबाव नहीं पड़ा है तब तक इस सरकार ने उन पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। यही नहीं, नोटबंदी को लेकर जब आरबीआई से एक आरटीआई फाइल किया गया था और यह पूछा गया था कि नोटबंदी के लिए किससे सलाह मशवरा किया गया, नोटबंदी के पीछे का मकसद क्या है और हाई वैल्यू करेंसी को स्क्रैप करने की, खत्म करने की कीमत क्या है, तो इसका जवाब देने के बजाय आरबीआई पहुंच गया अदालत और उसने वहां से स्टे ले लिया। और जो सरकार ने जिस एग्जेम्पशन क्लॉज का इस्तेमाल किया वो ये कि अगर हमने ये जानकारी दे दी तो देश की संप्रभुता, देश के आर्थिक हित, देश की सुरक्षा, इन सब पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा मामला था बैंक के लोन डिफॉल्टर्स की सूची जारी करने का। आप जानते हैं कि किस तरह से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब हमारा पैसा लेके विदेश में भाग गए। और जब एक आरटीआई किया गया कि भाई कौन कौन से बैंक लोन के डिफॉल्टर्स हैं, इसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी डिग्री को लेकर भी खामोश है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस सब का नतीजा था आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट, यानी कि अगर आप सवाल भी उठाना चाहें तो आपके पास, पहली बात तो सरकार आपको जवाब नहीं देगी, दूसरी बात जो लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे यानी कि आरटीआई के कमिश्नर्स, उन्हें भी आप अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखें। तो एक तरफ राम के नाम पर समाज में दोहराव, नफरत फैलाई जा रही है, दूसरी तरफ आपके जो अधिकार हैं उस पर अंकुश डाला जा रहा है। अब एक और बिल की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा में एक बिल पारित हो गया है जिसे कहते हैं UAPA अमेंडमेंट बिल, जिसका अर्थ यह है कि सरकार अब एक व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर सकती है। अब तक वो सिर्फ संस्थाओं को घोषित कर सकती थी, मगर अब वो व्यक्ति विशेष को भी घोषित कर सकती है। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ किस तरह से सबूत प्लांट कर देती है, किस तरह से उसे फंसाने की कोशिश करती है? ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और जब अब सरकार के हाथ में यह हथियार है कि वो इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति विशेष को टारगेट कर सकती है, तब तो खुला खेल फरूखाबादी। जो भी सरकार की आलोचना करेगी उसे आप टेररिस्ट बता दो। मैं मानता हूं कि गृहमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, मगर ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। निसारुद्दीन जो अपनी मां के गले लग रहा है, इस शख्स को 23 साल तक जेल में रखा गया, 2016 में यह शख्स रिलीज हुआ था। बाबरी की बरसी थी 1994 में और कुछ ट्रेनों में धमाके हुए थे जिसमें 2 से 3 लोग मारे गए थे। निसार को बगैर किसी सबूत के रिहा कर दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिहा किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें उम्र कैद की सजा नहीं मिल सकती। इस शख्स ने 23 साल जेल में बिता दिए, उम्र कैद तो ये बिता ही चुका है। अब ये दूसरी मिसाल देखिए दोस्तों, मोहम्मद जायद और मोहम्मद कलीम की। इन लोगों को 12 साल जेल में बिताना पड़ा। मुद्दा क्या था? 12 अक्टूबर 2005 को एक सुसाइड बॉम्ब अटैक होता है सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स ऑफिस में, बेगमपेट हैदराबाद में। 2 लोगों की मौत होती है। दिसंबर 2005 में यह केस ट्रांसफर हो जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को और 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, मोहम्मद अब्दुल कलीम और मोहम्मद साहिद। जनवरी 2006 में पहली प्रिलिमिनरी, शुरुआती चार्जशीट फाइल होती है। इसमें 20 लोगों को आरोपी बताया जाता है। यह ट्रायल शुरू होता है 2007 को और चलता रहता है कब तक? 2012 तक। और 2012 तक ये दोनों शख्स जेल में रहते हैं। 2012 को क्या आप जानते हैं कि अचानक
जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो 2 साल के लिए विदेश चला जाता है। इन 2 सालों में भी ये लोग जेल में रहते हैं और 2014 में ये कार्रवाई फिर शुरू होती है। 10 अगस्त 2017 में जज एक फैसला सुनाते हैं जिसमें मोहम्मद अब्दुल कलीम और मोहम्मद जाहिद दोनों को दोष मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि बता दिया जाता है कि ये निर्दोष हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां का कानून, जहां का सिस्टम अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए उनके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत काम किया, वहां एक पत्रकार संतोष यादव को 6 महीने में उस धारा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया जो कि कट्टर नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। और संतोष यादव का दोष सिर्फ इतना था कि वो आदिवासियों की आवाज उठा रहा था। यह है मेरा भारत महान, जहां की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है और आदिवासियों के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अगर आप हिंदू हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप महात्मा गांधी को भी गाली दे सकते हैं, गोडसे को हीरो बना सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर को भूल तो नहीं गए कहीं आप लोग? तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही था आपको बतलाना कि देखिए, राम के नाम पर जो धोन्माद है, एक वॉर क्राय है, उसमें दो राय नहीं है, मगर समानांतर तौर पर व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन, आपके अधिकारों को आपसे छीना जाना, ऐसे ऐसे कानूनों को पारित करना, ऐसे ऐसे बिल्स को पारित करना जिसमें आम इंसान की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है, यह मेरे हिसाब से चिंताजनक है। और इसी तरह के मुद्दे उठाना बोल के लब आजाद है तेरे का मकसद भी है। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।